आपके लिए पॉइंट क्या डलवाया था? आपके लिए पॉइंट था सिमेट्रिक लेआउट बाई एक्सिस। इसमें लिखा आपने इफ एक्स अकर्स ओनली एज एन इवन फंक्शन इन द इक्वेशन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाई एक्सिस, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाई एक्सिस। नेक्स्ट लिखोगे नेक्स्ट लिखोगे सिमेट्रिक अबाउट लाइन वाई इक्वल टू एक्स, सिमेट्रिक अबाउट लाइन वाई इक्वल टू एक्स। इसमें लिखें इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेंस अनअल्टर्ड अनअल्टर्ड रिमेंस अनअल्टर्ड अल्टर्ड नहीं अनअल्टर्ड यूएम अल्टर्ड नहीं लिखना था तीन चार बार में भी देख कानों में कुछ होता नहीं है। आगे लिखो अनअल्टर्ड व्हेन एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड देन द कर्व इज सिमेट्रिकल देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। About the line y equal to x. Next fourth डालो symmetrical in opposite quadrant. Fourth number का point symmetry में। Symmetrical in opposite quadrant. Quadrant. If on changing the signs of sign chain, if on changing the signs chain होते हैं ना S I G N S of x and y both comma both के बाद comma the equation to the curve is not the equation to the curve is not altered then the curve is symmetric then the curve is symmetric in opposite quadrant सिमेट्री के कितने पॉइंट हो गए चार। अभी देखो आपको लिखना है बस आप ये माइंड नहीं दौड़ाएंगे कि सर हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं समझ रहे हो ये सब जो पॉइंट्स लिखा रहे हैं आपको क्वेश्चंस के लिए लिखा रहे हैं जब क्वेश्चन कराएंगे तब इनका यूज होगा और कैसे होगा वो क्वेश्चन में ही बता पाएंगे यहाँ तो नहीं समझा सकते आपको समझाने को ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है पर देखो अब यहाँ टाइम निकालो फिर वहां अलग से टाइम तो एक साथ ही कराएंगे ठीक है ना हम आपको ये कहा करेंगे वहां की ये पॉइंट ये है यहाँ लिखा भी करेंगे बोर्ड पे लिखोगे इसमें आगे पोजीशन ऑफ द कर्व स्लो सिमेट्री के चार पॉइंट हो गए अब इसमें सेकंड पॉइंट सिमेट्री के हो गए कंप्लीट अब वो फर्स्ट था फर्स्ट में चार हो गए सेकंड डालो सेकंड में लिखो पोजीशन ऑफ द कर्व एट द ओरिजिन पोजीशन ऑफ द कर्व एट द ओरिजिन इसमें लिखोगे इफ इक्वेशन ऑफ कर्व
सेटिस्फाइड बाय द ओरिजिन, बाय द ओरिजिन देन then curve passes through the, sorry ये line cut करो, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से लिखाऊंगा। एक ही बात है, जीरो जीरो से सेटिस्फाई हो तो ओरिजिन से पास होगी ना, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं लिखा लिखा जा रहा, पूरा नाम लिखो काट रहे हो या इसी में लिखा था फिर then curve passes through the origin मैंने कटवाया नहीं, दूसरा लिखा था मैं, पर छोड़ो दूसरा भी लिखा था। मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना कि जो इक्वेशन ऑफ कर्व हैव नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म उसमें नहीं हो तो सेटिस्फाई हो जाएगी ना ओरिजिन से। ये समझे क्या, कोई भी इक्वेशन लिखी मैंने, जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ओरिजिन से पास होगी कि नहीं होगी, जीरो जीरो से सेटिस्फाई करा के देख लो, होगी। मैं चौक नहीं लाया था, चलो छोड़ो। मतलब ये कि कोई भी इक्वेशन है ना वो ओरिजिन से सेटिस्फाई होती है, जैसे कि हम ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई इक्वल टू जीरो, अब बताओ ये ओरिजिन से पास होगी कि नहीं होगी, होगी ना, जीरो जीरो से सेटिस्फाई है। और अगर यही मैं ये कह देता ये टू होगी क्या, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि इसमें अगर जो कर्व की इक्वेशन है ना उसमें अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं हो तो ओरिजिन से पास होगी, है ना। तो आप लिख सकते हो और लगा के लिख लो, और लगा के लिख दो, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व नॉट कंटेन्स एनी कांस्टेंट, any constant, then curve passes through the origin, अब देखो अभी इक्वेशन निकला है तो जो ओरिजिन है ना उससे पास होगी, तो ओरिजिन पे आप क्या निकालोगे, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालोगे ना, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, मिनिमम डिग्री वाली जो टर्म है ना, जैसे यहाँ मिनिमम 2 डिग्री 2 डिग्री, ये मिनिमम डिग्री 1 है, तो y जिसको y को 0 लिख दो, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, किस पे, ओरिजिन पे। याद करो मैंने एसएमट्यूट्स की बी एक्सरसाइज कराई थी तब, वहां लिया था ना काम में उसको एग्जांपल लास्ट में जो कराए थे, तो लिखोगे इसमें, इसी में आगे लिखोगे if origin is double point, जो dual point है ना, if origin is a dual point line change करके लिखो, अच्छा dual point है ना तो क्या हो सकता है, cusp node और isolated कुछ भी हो सकता है, होगा कि नहीं, तो या तो इसी में लिख दो देन इट विल बी नोड कस्प और आइसोलेटेड, देन इट विल बी जो नोड, इट विल बी नोड कॉमा कस्प एंड आइसोलेटेड पॉइंट, आगे लिखोगे in this condition equation of tangent line, in this condition equation of tangent line we take
मिनिमम डिग्रीज टर्म्स इक्वल टू जीरो, मिनिमम डिग्रीज टर्म्स इक्वल टू जीरो। अब लिखो एसएमटीयूट्स, अगला थर्ड पॉइंट डालो एसएमटीयूट्स। अब दो क्लासें चल रही है, ये थोड़ा स्लो चला करेगी, ये क्लास ज्यादा नहीं चलेगा और चला करेगी, कम ही चला करेगी, आधा घंटे या 40 मिनट, 35 मिनट ऐसे, 35-40 मिनट नहीं चल तो रही है पर आगे लिखोगे कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी वो भी थ्योरी चलेगी, इसमें कैलकुलेशन चलेगी, उसमें थ्योरी थ्योरी चलेगी, उसमें लिखने का काम ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। लिखो आगे एसएमटीयूट्स में लिखो, बी फाइंड एसएमटीयूट्स, बी फाइंड एसएमटीयूट्स बाय प्रीवियस मेथड। एसएमटीयूट्स तो पहले जो मेथड बताए थे ना उनसे निकालेंगे। नेक्स्ट डालो, अगला पॉइंट डालोगे आप पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। इसमें लिखो वी फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्सिस, वी फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्सिस, एक्स इक्वल टू जीरो रख दो, वाई निकल आएगा, वाई इक्वल टू जीरो रख दो तो एक्स निकल आएगा, यही तो ऐसे कर करते हैं। अगला लिखो फिफ्थ रीजन, इसमें लिखेंगे वी सॉल्व इक्वेशन ऑफ कर्व, वी सॉल्व इक्वेशन ऑफ कर्व फॉर एक्स और वाई, फॉर एक्स और वाई जो भी इजी लगे उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। वी सॉल्व इक्वेशन ऑफ कर्व फॉर एक्स और वाई एंड फाइंड बाउंडेड रीजन, find bounded region by the curve and asymptotes। next लिखोगे आप, ये तो हो गया इसमें curve crossing के points सभी, ठीक है ना। अभी चाहो तो increasing decreasing वो निकालो, वो तो बाद में उसी हो जाएगा जब solve करेंगे, ठीक है। अब आप आगे लिखोगे curve crossing in polar form, ये तो हो गया कार्टेशियन में, पोलर में लिखो कर्व क्रैशिंग इन पोलर फॉर्म, इसमें लिखेंगे यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं तो किसानों के लिए पता है पैसे कितने कर दिए, जिनकी पहले किस्त रह गई थी उनको भी दे रहे हैं, यूपी में है तो बीजेपी पा रहे, हमें पता है यूपी में बीजेपी में नहीं, जहाँ मेरा वोट गया वहाँ जितना फिक्स है ना, यूपी में कैसे होगा तो बीजेपी किसी का नहीं है, अच्छे सब पूरे पूरे किस इक्वेशन ऑफ कर्व इन, सॉरी कर्व क्रैशिंग इन पोलर फॉर्म, ऐसे में लिखो एक
इक्वेशन ऑफ कर्व आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, यानी कर्व की इक्वेशन क्या है पोलर फॉर्म में, आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा किस टाइप की है। इसमें लिखो पहला सिमेट्री, सिमेट्री डालो पहला पॉइंट, सिमेट्री सिमेट्री में भी फर्स्ट डालो, वहां भी तो लिखे थे। इसमें लिखो इफ द इक्वेशन रिमेंस, इफ द इक्वेशन रिमेंस अनअल्टर्ड अनअल्टर्ड व्हेन थीटा इज चेंज्ड टू माइनस थीटा, then the curve is symmetrical about the initial line, then the curve is symmetrical about the initial line, second point dal symmetry mein, if by replacing theta, if by replacing theta by pi minus theta, pi minus theta, the equation of curve, the equation of curve remains unchanged, remains unchanged, we have a symmetry, we have a symmetry about about theta equal to pi by 2, sab point kaam aayenge, theek hai। Next down if the equation remains, if the equation remains the same, when r is changed to minus r, when r is changed to minus r, then the curve is symmetrical about the pole, then the curve is symmetrical about the pole, सेकेंड पॉइंट डाल दो, और सेकेंड पॉइंट क्या डालोगे, सेकेंड डालो पोल, सेकेंड डालो पोल, in equation of curve, in equation of curve any value of theta, in equation of curve any value of theta, r will be zero, r small r will be zero, then curve passes through the pole, then curve passes through the pole, through the pole, next लिखो SMTUs, इसमें वही लिख दो जो पहले लिखा था, अभी इससे आगे कल बात करेंगे।